क्या रे मैडम आ रही है। मैडम तो रोज आती है। तुम्हारी 400 रुपया तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या चारी जी, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मेरी बीवी ने मुझे नई पैंट शर्ट खरीद के दी है। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना। ओह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू मैडम। इसीलिए तो आप दुल्हा नजर आ रहे हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आपको साइन करने के लिए मैं कुछ चेक्स लाया हूँ। कितने के? 35। सुबह सुबह 35 बोलो तो मुश्किल है। लंच के बाद करूंगी, ताकत मिल जाएगी। और 17th को दिल्ली में प्रेस काउंसिल मीटिंग है, टिकट बुक करवा दूं? मैं नहीं जाऊंगी, राम मोहन जी को भेज दीजिए। तो फिर 24th को सिंगापुर में? वहाँ भी नहीं जाऊंगी, उन्हीं को भेज दीजिए ना। मैम कुछ नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? लाइफ बहुत बोर लग रही है चारी जी। सुबह उठते ही वही रूटीन, लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं रहा। कैसी रहोगी थ्रिल्ड? प्यार करने की उम्र में पेपर चलाओगी तो बोर तो होगी ना। प्यार व्यार कुछ नहीं है, एक अच्छा सा लड़का देखिए मैं शादी कर लूंगी। अपनी पसंद का लड़का तो बताओ। बिल्कुल आपके जैसा। मेरे जैसा? उम्र थोड़ी बड़ी होगी तो। चारी जी आप भी ना कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं आप। कोई सुंदर लड़का देखकर तुमको सेटल हो जाना चाहिए, मेरी तो बस यही राय है, तुम मानती क्यों नहीं? आप कुछ ज्यादा ही फील कर रहे हैं। उम्र बढ़ गई ना मैम तो फीलिंग ज्यादा होती है, तुम रुक क्यों गई? अंदर कुछ पर्ची भी है मैम। मलयालम में है और लिखा हुआ हिंदी में है, पढ़ो तो इसे। मणि, तुम्हारी वसंता कौन है? ये मणि वसंता सी वेव शिपिंग कंपनी एर्नाकुलम का लेटर हेड है मैडम। इसमें डेट देखने से मालूम होता है ये 2 साल पहले की है। ठीक है आप जाइए। चारी जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कहीं केरल में लिखकर छोड़ी गई बॉटल 2 साल ट्रैवल करने के बाद गोवा आ पहुंची। सरप्राइजिंग, देखने से लव लेटर लग रहा है। नाम देखने से मणि वसंता दोनों लड़कियों के जैसा है। नहीं मणि जरूर लड़के का नाम है। ये मणि और वसंता कौन है? ये लेटर लिखते समय दोनों बिछड़ गए होंगे, फिर मिले या अब तक नहीं मिले। अगर बिछड़ गए तो कैसी स्थिति में बिछड़े होंगे? ये 2 साल में क्या दोनों की अलग अलग शादी हो गई होगी या एक ही हुई होगी एक ही नहीं? उस लड़की ने लेटर को बॉटल में रखकर क्यों फेंका होगा? इस लेटर के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हाँ एक काम कीजिए, कल इस बारे में अपने पेपर में एक कॉलम लिखिए। बॉटल लाइव संदेशा कैप्शन में लिखिए, केरल से बिछड़े 2 प्रेमियों का प्रेम संदेश गोवा पहुंच गई, ऐसा लिखिए। कल कैसे भी हो कोचिन फ्लाइट की टिकट बुक कीजिए। कोचिन के लिए? हाँ। ये कॉलम कंटिन्यू कीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो शादी की बात? इस उम्र में भी आपको शादी की पड़ी है? छी बाप रे। केरल में लिखकर छोड़ी हुई बॉटल 2 साल ट्रैवल करने के बाद गोवा पहुंची। गोवा से कोचिन जाने पर मणि और वसंता के बारे में जरूर पता चल जाएगा। बोतल लाई संदेशा, केरल से बहकर गोवा आई एक प्रेम कहानी बोतल लाई। चंदन
क्या चाहिए? सीट दिस मार्केट कंपनी फिशिंग कंपनी. जी मैडम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? स्पीक प्रॉपरली, डोंट कंफ्यूज मी. 100% लिटरेट लग रहा है. हाँ, सी, कैन यू टेल मी वेयर इज सीवेज फिशिंग कंपनी? व्हाट? सीवेज फिशिंग कंपनी. खींच क्यों रही है? वो कहेगी ना, एक ही जगह के है ना. परसों ऐसे एक आदमी को नजदीक किया, तुझे मेरा पॉकेट मार दिया. हाँ, मैं पॉकेट मार दिखती हूँ? तुम्हारा पॉकेट से क्या लेना देना? मतलब गोवा में अनजाने लड़के दोस्ती करना मना है? ऐसा गोवा में चलता नहीं. हेलो, एक्सक्यूज मी. यस, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? जस्ट लाइक दैट. यू आर लुकिंग स्मार्ट. थैंक्स, यू आर लुकिंग स्मार्ट. थैंक यू. आपका नाम क्या है? रजनीकांत. क्या? एक बार बोला मतलब 100 बार बोलना. कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है. आपका नाम? पल्लवी. ओ, पल्लवी रजनीकांत. नो, मिसेज पल्लवी रजनीकांत. गुड. नामों को क्यों मिला रहे हैं आप? जस्ट चेक कर रहा हूँ बस. भैया आप कहाँ? क्या बोली? यही कि आप कहाँ रहते हैं? नहीं, उससे पहले कुछ और बोला था. मैंने तो भैया बोला था. भैया, अब और क्या बचा? तुम में इंटरेस्ट खत्म हो गया. बाय. भैया 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 भैया, आप और मणि यहाँ रहते हैं? ये आपका ही घर है क्या? अरे पहले कहा ना वही मणि है, अब क्या यही आपका घर है बोले जा रही है? ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या, सुबह सुबह मुझे भैया कह के परेशान कर रही हूँ. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ओए रजनी, ये क्या रहे? आप उप्पा बनाने वाले तो है नहीं, मैंने बनाया है, रंग ज्यादा हो गया है. ये लड़की कौन है? मुझे भी नहीं पता. आप चाहे तो मैं बनाऊँ, काजू डाल के अच्छी तरह बनाऊंगी. पहले ये बताओ तुम कौन हो? टूरिस्ट हूँ, केरल देखने आई हूँ. तो जाओ केरल देखो, यहाँ उपमा नहीं है. ए, क्या चला? भैया भैया, सामने वाली कॉटेज आपकी है क्या? मेरी नहीं है. तो किसकी है? जिसने लिया है उसकी है. मतलब यहाँ आप दोनों रहते हैं? हाँ, तुम्हारा भी रहने का इरादा है क्या? मणि का पूरा नाम क्या है? ये आखिरी सवाल है, फिर नहीं पूछोगी ना? शिवा मणि. बस एक और लास्ट क्वेश्चन भैया, उनकी शादी हो गई? मेरे बारे में नहीं पूछ सकती हो क्या? तुम्हारी शादी हुई तो क्या, ना हुई तो क्या? नहीं बताऊंगा. ओए, हुई कि नहीं बताओ? नहीं हुई. क्यों नहीं हुई अब तक? क्यों बताऊंगा, तो वो एक बड़ी कहानी है. ओके, बाद में बात करेंगे. हाँ ठीक है. शिवमणि. हाँ? ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है. मैम, तुम आखिर उससे मिली कि नहीं? मिली थी. क्या कहता था, कौन है वो आदमी? थोड़ा जिद्दी सा लगा मुझे, यूं ही आसानी से बताने वाला नहीं है वो. मैम कुछ भी हो, अपने कॉलम को टेरिफिक रेस्पॉन्स मिला है. ऑफिस में कंटिन्यूस फोन्स और लेटर्स आ रहे हैं. तुम उससे फौरन मिलो, लेटर और वसंता के बारे में पूछताछ करो. कॉफी इसे पीने की हिम्मत कर सकता हूँ? हाँ, मैंने बनाई है, क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छी अरे, हाथ हिलाने वाले को जानता है तो? वो बस हाथ हिला रही थी, मैंने मिला दिया. क्या शिवा मणि जी, कॉफी पी रहे हैं क्या? हम पिए ना पिए, इसको क्या करना, बोलो मुंह बंद रखे. तुम कुछ ज्यादा ही बात बनाती हो, मुंह बंद रखो, ऐसा बोला वो. हाँ समझ गई, आज से मैं यही रहने वाली हूँ. नाश्ता अच्छा है, किसने बनाया? वो दुगली ने, वो सामने घर से मेरी बहन से लाया हूँ. वो कौन होती है देने वाली? क्यों, अच्छी नहीं बनी क्या? बहुत देखी ऐसी खिलाने वाली. इतनी मेहनत से बनाया और आप चिढ़ा रहे हैं. किडली बेचने वाली दिखती हूँ क्या? कितने प्यार से बनाया मैंने. तुम हमारी देखभाल करने नहीं आई हो? ए, अगर ऐसा इडली डोसा दोबारा लाया ना तो चमड़ी निकाल दूंगा. आपके गुरु को बीपी है क्या? बीपी नहीं है, पागल हूँ मैं. इसमें क्या हुआ, हर एक को कुछ ना कुछ होता है. हाँ, आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं? तुम केरल छोड़ के कब जाओगे? तुम केरल देखने आई हो ना, देखो और जाओ, दिमाग मत चाटो. क्या रे, इतनी देर क्यों लगा दे? राय साहब ना, आपको तो पता है. अच्छा ठीक है, जल्दी करो. बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए देर हो गई. वोट है? नहीं, साइकिल है. आप हमें
हमेशा चिड़े चिड़े से क्यों रहते हैं? क्यों डिस्टर्ब करती रहती हो? क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? ये टूरिस्ट बोट नहीं है, टूरिस्ट बोट वहाँ है, जाओ उसमें बैठो। हेलो, अच्छा गाती हो, आवाज अच्छी है। थैंक यू। बेसिकली मैं ना ये बेसिकल क्लासिकल मुझे मत सुनाओ। गाने की तारीफ क्या कर दी, तुम तो चिपकने ही लग गई। हा? वो क्या है कि क्या अपनी खुशी और गम के बारे में बात करनी थी। मेरे पास तुम्हारी खुशी और गम सुनने का टाइम नहीं है, टूरिस्ट बोट वहाँ है, वहाँ जाओ। शराब, चिकन, सोडा, आइस, क्या ये सब तुम्हारे लिए है? हाँ, मुझे आदत नहीं है। तो कोई दोस्त आ रहा है क्या? हा? तुम आए हो ना भैया? ना, ये सब मेरे लिए है? हाँ, बिल्कुल। मुझसे तुमको कितना प्यार है बेना, पहली बार औरतों पर विश्वास आ गया है बेना। ये चिकन भी खा सकता हूँ? चिकन भी तुम्हारे इंतजार में है, चबाओ। थैंक यू। शिवा मणि कौन है? इस वक्त ये जरूरी है क्या? ये वक्त जरूरी है भैया। बाप रे बाप, बहना मुँह से शराब मत छीनो, दे तो मुझे। हाँ तो बताओ, शिवा मणि कौन है? बड़ा गुंडा है क्या? सिर्फ गुंडा क्या, गुंडों का गुंडा। गोवा मालूम है? पुराना मार्केट मालूम है? मैं पुरानी मार्केट में जेब काटता था, उस वक्त पहली बार शिवानी को देखा था।